साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। छातापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया विदाई। छातापुर मुख्यालय कार्यालय स्थित ललित नारायण सभागर में छातापुर के स्थानांतरित वीडियो अजीत कुमार सिंह का विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वीडियो अजीत कुमार सिंह के विदाई से सम्मान समारोह में उपस्थित थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन, स्वच्छता के प्रखंड समन्वयक दिवाकर सचिन, पंचायती राज कनी अभियंता मणिकांत, कुंदन कुमार, प्रभात रंजन, वीरेंद्र कुमार, बीपीआरओ माधवेंद्र कुमार, इंदिरा आवास कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि ने शॉल, फूलमाला, पुष्पगुच्छ व बुक्के उपहार देकर सम्मानित किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने बीडीओ के कौशल कार्यों के लिए उन्हें बधाई और शुभकामना दी। बीडीओ श्री अजीत कुमार सिंह के कार्यों की तारीफ करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 3 साल की अवधि में उन्होंने जिस प्रकार ईमानदारी से छातापुर में कार्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान स्थानांतरित बीडीओ श्री अजीत कुमार सिंह को फूलमाला एवं बुक्के देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त कर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए कहा कि आप लोगों से बिछड़ने का गम मुझे भी है, आप लोगों के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहेगा। विदाई समारोह के दौरान कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अपने संबोधन के दौरान भावुक हो उठे। विदाई समारोह को 9 पद स्थापित अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार ने कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन किया। हॉल में उपस्थित एवं हॉल के बाहर कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को इकट्ठे मेरा नमन है, अभिनंदन है, प्रणाम। धर्म के लोग हो, किसी भी जात के लोग हो, कभी मेरे काम को अस्वीकार नहीं किया, ये आपका बड़प्पन था। मैं जब भी चेयर पर बैठता था मैं जात धर्म और लोगों ने उसी रूप में मुझे देखा भी। कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों में लोग मेरे जात को देखते रहे, मेरे धर्म को देखते रहे, लेकिन अधिकांश लोगों ने मुझे अपने पदाधिकारी के रूप में देखा और मैं उसी रूप में यहाँ पे काम भी किया। ये आपका बड़प्पन था। छातापुर मेरे लिए कई दृष्टि से यादगार रहेगा। मेरे 3 संतान हैं, जिसमें से 2 संतान का जन्म छातापुर में मैं जब पदस्थापित रहा उसी दौरान हुआ, इसलिए मैं आजीवन इस छातापुर को नहीं भूल सकता हूँ। और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी पदाधिकारी ने, चाहे वह अंचल का कार्यालय हो, चाहे वह मनरेगा का कार्यालय हो, चाहे वह थाना हो, चाहे वह हॉस्पिटल हो, चाहे वह जीविका कार्यालय हो, चाहे वह बाल विकास कार्यालय हो, चाहे वह आपूर्ति कार्यालय हो, चाहे वह शिक्षा कार्यालय हो, चाहे वह स्वच्छता कार्यालय हो, चाहे वह आवास कार्यालय हो, सभी कार्यालयों ने मेरे एक इशारे पे सब लोगों ने मिलकर काम किया। मैं सभी कार्यालय के कर्मी एवं पदाधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन कर्मियों ने, जिन पदाधिकारी ने, जिन कार्यकर्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि 3 साल के कार्य के दौरान हो सकता है मेरे वाणी से, मेरे क्रियाकलाप से किसी को अगर किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो, ठेस पहुंचा है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप उन बातों को भूलने का प्रयास करेंगे।